नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रात एक बार फिर से हाजिर हूँ ये शो लेकर। हमारी सीरीज अब जो चल रही है जिसमें हम राशियों को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखें जन्म राशि को जो आप आधारित है आपके नाम, आपके जन्म स्थान, आपके जन्म की तिथि और आपके जन्म का वक्त। इस पे आधारित जो राशि होती है इसको बोलते हैं जन्म राशि, जिसके अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे हैं कि जातक कैसे होते हैं, क्या होते हैं उनके नेचर करेक्टरिस्टिक्स, क्या होते हैं उनके डिटेल्स, क्या होते हैं उनके सीक्रेट्स और क्या होते हैं उनके लकी एलिमेंट्स, एवरीथिंग। तो बने रहे हमारे साथ इस शो में, लेकिन इससे पहले वक्त जरूर नोट कर लें, ये आता है संडे वाले दिन यानी कि रविवार के दिन 12 बजे और 4:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट। सो रिपीट करने का हमारा जो है जरिया वो ये है कि आप हमें सुनते ही रहें और जरिया है पंजाब प्लस टीवी चैनल और मोटिव है कि आप हमें सुनते ही जाएं। अब स्टार्ट करते हैं जी आज का शो, देखते हैं इस शो में और क्या है खास। आज की राशि है जी जेमिनी राशि। जेमिनी पीपल दे आर वेरी क्लेवर, बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग, बहुत जल्दी किसी बात को सोचते हैं एंड क्विक फास्ट, और ये लोग अपने आप को क्लेवर समझते भी हैं। कई बार हम होते हैं, हम क्लेवर होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन जेमिनी पीपल दे आर सो ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओवर कॉन्फिडेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चीज़ का इनको नुकसान भी होता है। अपनी क्लेवरनेस से ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, जिसे बोलते हैं चलाकियों से आगे बढ़ना। तो ये इनके लिए नेगेटिव ट्रेट में तब जाता है जब जो प्लैनेट्स हैं इनके साथ काम नहीं करते, यानी कि इनके लिए काम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो ये चीज़ें नेगेटिव में जाने लगती हैं। मकरी पीपल सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं क्योंकि वो अपने जो ब्रेन है उसको ज़्यादा, उसमें जो थॉट्स आते हैं उनको ज़्यादा ग्रेस्प करने में सक्षम होते हैं। इनका जो माइंड है वो दिन रात यही सोचता रहता है कि कौन सी तिकड़म लड़ाई जाए, क्या वे अपनाया जाए कि जल्दी से आगे बढ़ा जाए। और रिश्तों में जब ये क्लेवरनेस यूज़ करते हैं तब ये हो जाती है थोड़ी सी टॉक्सिक। तो इसलिए जेमिनी वालों को सलाह दी जाती है कि वो क्लेवरनेस का जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसको छोड़ के रियलिटी में इमोशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो आज डिस्कस करेंगे जेमिनी वालों के बारे में। जेमिनी वालों के बारे में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्लेवरनेस के गो थ्रू चलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो लॉर्ड है वो मर्करी है यानी कि बुध। हमने अपनी पिछली सीरीज में डिस्कस किया था जब हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो बुध महाराज हैं वो हैं लकी होने के देवता, फॉर्चुनेट होने के देवता। आपको जो एक थिंकिंग पैटर्न है, फास्ट थिंकिंग पैटर्न है, वो मकरी देते हैं। तो जेमिनी वालों का अगर लॉर्ड जो मकरी हैं तो ये चीज़ें उन्हें जो नेचुरल दी हैं इन लोगों में, यानी कि जेमिनी वाले लोगों में मकरी ने ये चीज़ें नेचुरल दी हैं, उनको ये करेक्टरिस्टिक्स मकरी ने ही तो दी हैं, इसीलिए लॉर्ड हैं उनके बुध यानी कि मकरी। अगर इनके मकरी जो है वो लॉर्ड है तो इन्हें ग्रीन कलर जो पहनना होता है काफ़ी शुभ होता है। इवन जो एक पैरेट ग्रीन कलर आता है जिसमें येलोइश का एलिमेंट आता है वो भी जेमिनी लोगों का कलर कहा जाता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपका कलर कौन सा लकी है तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आपको कॉल करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपकी कुंडली के हिसाब से है वो कलर्स कुछ और होते हैं। ये जनरल है कि अगर आपको मालूम है कि आप जेमिनी हैं तो आपके लिए लकी रहेगा, लेकिन परिस्थितियां हमेशा सेम नहीं रहती। आपकी कुंडली के हिसाब से कभी कोई प्लैनेट के असर में होते हैं, कभी कोई ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में आ जाते हैं जिसे बोलते हैं वर्षफल। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टाइम टू टाइम दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को नोट ज़रूर कर लें। जी हाँ, अब हम बात कर रहे थे कलर्स की। जेमिनी वालों के लिए येलो कलर, पैरेट ग्रीन कलर और ग्रीन कलर ये अच्छे माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अंकों की। अंक जो होते हैं वो 3 यानी कि 3 नंबर और 5 नंबर। तो अगर आप कहीं लॉटरी डालने का सोच रहे हैं, कहीं पे आपको लकी एलिमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बुध कैसा चल रहा है अगर आप जेमिनी हैं। अगर बुध भी आपका स्ट्रांग है तो 3 और 5 नंबर आप बेधड़क होकर यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जेमिनी वालों के ट्रेड के एक बारे में। जेमिनी वाले जो होते हैं ये पहले ही हमने डिस्कस किया, काफ़ी क्लेवर होते हैं, लेकिन इनका एक डार्क सीक्रेट है कि इनको गॉसिप सुनने में और करने में बहुत मज़ा आता है, यही इनके लिए नेगेटिव जाता है। तो अगर आप जेमिनी हैं तो गॉसिप से बचें, क्योंकि बात क्या होती है कि आपका ब्रेन काफ़ी क्लेवर होता है, आप सुनते हैं लोगों की बातें और उस चीज़ को मोल्ड करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें आपका बहुत वक्त ज़ाया भी होता है। तो जब भी कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हो, उसको इंटरेस्टिंग
ना समझ के आपको ध्यान नहीं देना है और प्रोसीड करना है, क्योंकि आपके लिए ये बुरा है। जितना ज़्यादा आप गॉसिप करेंगे, आपका वीनस जो है, शुक्र जो है, आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो वो वीक हो जाएगा। तो मकरी की वजह से आपको ये जो वर्बल कम्युनिकेशन का, दूसरों से कम्युनिकेट करने का, बातें करने का, ज़्यादा बातें करने का जो एक हुनर मकरी ने दिया है, उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, नॉट नेगेटिवली। तो इससे आपका लक फैक्टर इंक्रीज होगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। जेमिनी वाले जो होते हैं, इनका सेजिटेरियस के साथ जो कंपैटिबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि धनु राशि के जातक। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट हैं। तो जब भी आप पार्टनर ढूंढें तो ध्यान रखें कि आप ट्राई करें कि वो सेजिटेरियस या कुंभ ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पर्सन पसंद है जिनकी सेजिटेरियस राशि है, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजर को कॉल ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके प्लैनेट्स जो हैं वो आपके मुताबिक चलें और आपकी हमेशा कंपैटिबिलिटी अच्छी रहे। लेकिन बिजनेस में तो आप ट्राई कर सकते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ बिजनेस ना किया जाए। जेमिनी और सेजिटेरियस दोनों अलग अलग सोचते हैं, तो इन लोगों को इनिशियली लगता है कि इन दोनों की एक दूसरे से बनेंगी, क्योंकि जो सेजिटेरियस होते हैं वो भी कम्युनिकेशन जो है उसको स्टार्ट करने में बड़े अच्छे होते हैं, और आप जो जेमिनी हैं ये तो बातें करते ही जाते हैं। तो इनिशियली जब आपको ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो सेजिटेरियस है, एक जगह पे जेमिनी है, एक जगह पे सेजिटेरियस है, तो आपको लगता है कि मैच बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो सेजिटेरियस होते हैं वो आपसे पीछे हट जाते हैं, तो आप अकेले रह जाते हैं। इस वास्ते आपको क्या करना है, आपको इनके साथ बिजनेस नहीं करना है। और अगर आपको कोई अपने पार्टनर ढूंढ लिया है जो कि सेजिटेरियस है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर को कॉल ज़रूरी करना है, ये आपके लिए अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कंपैटिबल साइंस की। इन लोगों की एक्वेरियस और लिब्रा राशि के लोगों के साथ काफ़ी अच्छी बनती है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इन लोगों के साथ इनका जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो अच्छा बन जाता है। प्रैक्टिकल जोन में भी इनकी सोच उनके साथ मिलती है, तो अच्छा रहता है। और सेकेंड वन लिब्रा यानी कि तुला राशि, तुला राशि के जातक जो होते हैं वो भी जेमिनी के लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। एक दूसरे के साथ आपका जो एक थिंकिंग पैटर्न है वो मिलता है, आपकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग रहती है, और लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा जो लियो हैं, लियो के साथ भी आपका अच्छा बनता है, यानी कि सिंह राशि के जातक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप फायरी दिखते हैं, आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, और जो लियो वाले होते हैं वो इंटरनली ही ऐसे होते हैं, वो बचपन से ही ऐसे होते हैं, जिन्होंने कुछ सीखा नहीं, लेकिन उनको काफ़ी फायरी एलिमेंट्स में जो आते हैं, जो एक तरफ फायर आग की तरह हर चीज़ में कूद जाते हैं, और हर चीज़ को करने का ट्रायल जो है उनका काफ़ी फास्ट होता है, फ्यूरियस होता है। अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो बिजनेस करने के लिए आपके लिए लियो वाले जो सिंह राशि के जातक हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। आई होप आज आपको कंपैटिबल साइंस और इनकम्पैटिबल साइंस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ से मिली इस शो से, जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस, और बने रहे हमारे साथ इस शो में। बात अगर कर ही रहे हैं, इमोशनली हमने डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिकली डिस्कस कर लिया, अब आते हैं करियर के बारे में। टॉप मोस्ट करियर जो जेमिनी के बारे में बताया जाता है वो होता है राइटर का, लेखक का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जेमिनी है, जैसे हमने डिस्कस किया, काफ़ी क्लेवर होते हैं। वो कहीं पर भी जाते हैं तो इर्द गिर्द की चीज़ें जो है वो काफ़ी नोट करते हैं, क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन काफ़ी तेज़ होता है। तो जब आप राइटिंग पैटर्न में होते हैं, आप एक लेखक हैं, तो सिचुएशंस आपके बहुत काम आती हैं। आप हमेशा वो चीज़ें लिखते हैं जो आपने कभी ना कभी देखी होती हैं, आपके इमेजिनेशन काफ़ी तेज़ हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। सबसे पहला जो करियर सेगमेंट है वो लेखक यानी कि राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारा इसके बारे में करियर आ गया है। और अगर इसको एडवांस लेवल पे हम लेके जाएं, जो आप मैगजीन्स छपते हैं उसमें जो टॉप मोस्ट स्टोरीज छपती हैं, तो वहाँ पे भी आपका अच्छा होगा। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में अगर आप कोई राइटिंग की जॉब ढूंढते हैं जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है, या फिर किसी सेलिब्रिटी के बारे में लिखना है, ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें आप काफ़ी हिट रहेंगे। तो जेमिनी के लिए ये प्रोफाइल बहुत अच्छा है। दूसरा, संवादक भी बहुत अच्छे होते हैं ये, और जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो वहाँ तक सीमित है जहाँ तक आपको सिर्फ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके हिसाब से अगर आप सेल्स प्रोफाइल में जाते हैं, तो जब तक आप मार्केटिंग सेक्टर में हैं
कि आपको सिर्फ कॉल लगा के सामने वाले को सिर्फ कन्विंस करना है कि आप हमारे पास आइए, तब तक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट है, जो मार्केटिंग एंड सेल्स है वो डिफरेंट है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में जो इनिशियलाइजेशन टेलीफोनिक कंसल्टेशन पे आप बोलते हैं कि हमारे पास आइए हमसे कनेक्ट कीजिए, उसमें भी जेमिनी काफ़ी अच्छे होते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। अब बारी है मिथ के बारे में। ये जो मिथ है ये कोई और जेमिनी के बारे में क्रिएट नहीं करता, जेमिनी खुद ही अपने बारे में ये क्रिएट करते हैं। जेमिनी पीपल ऑलवेज थिंक, ये हमेशा सोचते हैं कि हमेशा हेल्दी ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि इनको हेल्थ के बारे में बहुत नॉलेज है और ये चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। बात सही है, इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इन लोगों को अगर ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अपनी आर्म्स का, अपने हैंड्स का। ये जो चीज़ें होती हैं दोनों, इनका जो यहाँ शोल्डर से लेके जो लोअर बॉडी यहाँ तक आता है हैंड्स तक, इसमें इनको तकलीफ रहती है जिससे ये नज़रअंदाज करते हैं। कई बार हमें लगता है ये नॉर्मल है ये, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप जेमिनी हैं तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर और भी जो आपको लगता है कि जेमिनी होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, या फिर आपको लगता है कि जेमिनी आप हैं, आप एनहेंसमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इतना क्लेवर माइंड दिया है तो आगे बढ़ना तो बनता है ना, तो इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट हमें ज़रूर करना है। स्क्रीन पे फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आपने अपने डिटेल्स दे देने ने, और दो मोड ने, एक तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं और सेकेंड वन आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रो प्लस पंजाब प्लस टीवी चैनल पर। इसके लिए जस्ट आपको कॉल करना है हमें एक बार, हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमस्कार।